Welcome to our channel Educatory Inspire Greatness. Hello friends, I am Nikita Agarwal. In our previous lecture we are already discussed about taxonomy, taxonomic categories and today's we are discussing about the topic taxonomical aids. So let's start the class.

स्टूडेंट्स हर्बेरियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हर्बेरियम क्या है हर्बेरियम वो टिक्सोनिकल एड है जिसमें हम स्पेसिमेंट को ड्राई और प्रेस करके हर्बेरियम शीट पर क्या करते हैं पेस्ट करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं जो डेड प्लांट है आपका उसको प्रिजर्व करते हैं तो वो शीट जो हम ड्राइंग में यूज करते हैं ये वो शीट नहीं होती बल्कि यहाँ पर ये जो शीट होती है वो साइज़ में क्या होती है नॉर्मल शीट से डिफरेंट होती है तो द साइज़ ऑफ हर्बेरियम शीट इज़ 11.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई सिक्सटीन पॉइंट फाइव इन इंचज़ और कभी कभी जो आपका एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो हरबेरियम शीट का साइज़ है वो सेंटीमीटर में पूछ लेते हैं तो दैट इज़ 2.5 को अगर हम 11.5 पॉइंट फाइव इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इंचज किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में द हरबेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन लोकल एंड बोटेनिकल नेम फैमिली कलेक्टर नेम एट्रा मीन्स जो आपकी हर्बेरियम शीट होती है उस पर क्या लगा रहता है एक लेवल लगा रहता है और उस लेवल में उस प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने उसे किस डेट में कलेक्ट किया है प्लेस ऑफ कलेक्शन मीन्स आपने उसे कहाँ से कलेक्ट किया है लोकल मीन नेम मीन्स कि वो नेम जो उस पर्टिकुलर एरिया में उसको दिया गया है और बोटेनिकल नेम मीन्स कि जो आई है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या नाम दिया गया है और जब आप उसका नाम पता होगा तो आप बता सकते हैं कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है और लास्ट इज कलेक्टर नेम मीन्स कि जिस भी इंडिविजुअल ने उसको क्या किया है कलेक्ट किया है उसका नाम वहाँ पर मैंशन किया जाएगा तो हर्बेरियम के, के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है जैसे हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बुटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ तो यहाँ पर ये एक हर्बेरियम शीट आप लोगों को दिखाई गई है जहाँ पर वो लेवल होता है वो भी दिखाया गया है जिस पर पूरी एंट्री क्या क्या कॉमन नेम बुटैनिकल नेम फैमिली वगैरह मेंशन करनी होती है और यहाँ पर एक और आपको दिखाया गया है स्लाइड में कि एक और है जहां पर हर्बेरिया को दिखाया गया है सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज बुटेनिकल गार्डन तो हर्बेरियम में हम क्या करते हैं जो डेड प्लांट होता है उसको स्टोर करते हैं किस पर ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर बट बोटैनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट बोटैनिकल गार्डन में हम प्लान प्लांट को उसी की इन्वामेंटल कंडीशन में ग्रो कराते हैं और जहाँ वो लोकेटेड होता है वहाँ उसको क्या देते हैं वहीं पर उसका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम और उसकी फैमिली का नेम मैंशन कर दिया जाता है जहाँ पर भी हम उसको ग्रो कराते हैं तो बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं जो इंडिया में हैं और आप लोग शायद गए भी होंगे वहाँ पर लाइक रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड या आपका वर्ल्ड में अगर हम देखें इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में यहाँ पर इसकी कुछ इमेजेस हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने के लिए मिल जाएंगी वन मोर थिंग इज अबाउट बोटेनिकल गार्डन इज दिस

उनको उनकी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन केयर केयर में क्या करते हैं हम उनको रखते हैं तो जूलॉजिकल पार्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक दिल्ली का जू है वो सभी बच्चों ने देखा होगा इसके अलावा जो हमारा लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा है क्रूगर कहाँ पर साउथ अफ्रीका में है ऐसे ही जो दिल्ली वाला है उसको हम क्या कहते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो जुलॉजिकल पार्क और जू एक ही टर्म है बस क्या है कि बच्चों ने वो लॉन्ग टर्म थी इसको इसलिए उन्होंने उसको क्या किया शॉर्ट में कर दिया है जू और हमारा जो फर्स्ट जू सेटअप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है मद्रास में फोर्थ एक्सट्रोनॉमिकल एडज म्यूजियम म्यूजियम इज वॉट सो स्टूडेंट म्यूजियम वो प्लेस होता है जहां पर हम एनिमल और प्लांट को प्रिजर्व करते हैं फॉर स्टडी पर्पज आप लोगों ने अपनी लैब्स वगैरह में देखा होगा कि हम स्पॉटिंग के लिए जो स्पेसिमेन होता है उसको स्टडी करने के लिए हम उनको क्या करते हैं बॉटल में प्रिजर्व करते हैं और उसमें क्या भर देते हैं लिक्विड भर देते हैं और वो जो लिक्विड होता है उसकी बहुत तीखी सी स्मेल होती है जो किसकी होती है फॉर्मेलिन की तो बेसिकली वो एक तरीके से हम क्या एक छोटा सा म्यूजियम मान सकते हैं जहाँ पर हमने स्पॉट्स को क्या किया है प्रिजर्व किया है बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें तो इंसेक्ट्स हैं उनको भी हम इंसेक्ट बॉक्स में क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं हम उसको क्या करते हैं सबसे पहले हम उसको किसी भी प्लेस से कलेक्ट करते हैं उसको क्या करते हैं फिर किल करके हम उसको लेबल कर देते हैं जो लार्जेस्ट म्यूजियम है वो कौन सा है आपका कोलकाता में लोकेटेड है इट इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया एंड द लास्ट इथनॉमिकल एड इज की से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो है हु गिव द टर्म की सो द टर्म की इज गिवन बाय जॉन रे की में प्लांट या एनिमल की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये हमेशा क्या होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में होगा या मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर्स होंगे इसीलिए हमने यहाँ पर इसको क्या टर्म दिया कपलेट और जो की है जिसके लिए हमने स्टेटमेंट देना है तो की के हर एक स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं लेड तो लिड से कपलेट से और इसकी Uh, जो की टर्म है वो किसने दिया है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्ज़ाम में इज एनालिटिकल इन नेचर तो ये तो वो मेन एड थे जो आपको पढ़ने ही थे इसके अलावा भी बहुत सारे एड्स हैं लाइक फ्लोरा फोना मैनुअल्स कैटलॉग्स एंड सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आर हेयर तो फ्लोरा क्या है कि जब हम फ्लोरा जो हम प्लांट की पूरी डिटेल उसकी जितनी भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं तो हम उनको हम एक बुक में मैंशन करते हैं दैट इज़ फ्लोरा फोना मीन्स जब हम किसी भी एनिमल की जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं उनको उनके साइंटिफिक नेम के साथ एक बुक में लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं फोना कहते हैं इसी तरीके से जो कैटलॉग है कैटलॉग क्या होती है एक छोटी सी बुक होती है जिसमें हम प्लांट या प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ की क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन नोट डाउन कर देते हैं इसके अलावा क्या है मैनुअल्स हैं मैनुअल्स क्या है मैनूअल्स जब हम किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जितनी भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम किसका यूज करते हैं मैनुअल्स का यूज करते हैं इसी तरीके से मोनोग्राफ मोनोग्राफ बेसिकली क्या होता है एक पैम्पलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें उस पर्टिकुलर स्पीशीज की सारी डिटेल दी हुई होती है तो वो अपने आप में ही सफिशियंट होता है तो ये सारे क्या है आपके टेक्सोनोमिकल एड हैं जो आज हम लोगों ने फिनिश किए हैं और आज आपका चैप्टर वन भी फिनिश हो गया है अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर टू स्टडी करेंगे आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड में उन्हें शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि की वीडियो की आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू